हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं और ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग की तरफ से। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग की तरफ से क्या ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने यहाँ पर अपना पेपर दिया था UPSC का, तो आपने अपना अगर क्वालिफाई कर लिया है लिखित परीक्षा और उसके बाद आपने साक्षात्कार भी दिया है, तो उसकी मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। पोर्टल पर आयोग ने अंक तालिका जारी कर दी है। चलिए देखते हैं विस्तार से सारी बातें जो उन्होंने कही हैं। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है 26 तारीख को, यानी कि परसों ये जारी हो चुकी है। हो सकता है कहीं तक ये पहुंच भी गई हो जानकारी। आयोग की बैठक संख्या आपकी 24 को ये हो चुकी है बैठक, और इसमें निर्णय के अनुसार जो है विज्ञापन संख्या जो 50 है, आपको पता ही है कि विज्ञप्ति संख्या आचार्य हिंदी, शारीरिक शिक्षा, कृषि प्रसार, कृषि अर्थशास्त्र, महिला अध्ययन, कृषि सांख्यिकी, वाणिज्य, कृषि वनस्पति वनस्पति, कृषि अभियंत्रण एवं पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान। आपको पता चल गया होगा कितने विषय के नाम मैंने लिए हैं, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। हाँ जी, चलिए देखिए आगे। उन्होंने कहा है कि इन विषयों के अंतिम चयन परिणाम घोषित किए जा चुके हैं और साक्षात्कार में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के अंक आयोग के पोर्टल पर अभ्यर्थियों को सूचनार्थ उपलब्ध हैं। अगर आपने इस सब्जेक्ट से क्वालिफाई कर लिया है और आपका इंटरव्यू हो चुका है, तो दोनों के इन्होंने मिलाकर आपके अपने पोर्टल पर अंक तालिका जारी कर दी है। चलिए अंक तालिका की PDF आपको दिखा देते हैं, किस किस के यहाँ पर नंबर आए हैं। और इस PDF में काफ़ी सब्जेक्ट हैं, तो ये लेंथी जाने वाली है, तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। चलिए देखते हैं आपकी ये PDF। चलिए दोस्तों देखते हैं इस वाले PDF को आपकी। यहाँ पर देखिए मेरिट लिस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट इन सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। यहाँ पर आपके इकोनॉमिक्स से संबंधित है, यहाँ पर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज वाइज देख लीजिए। यहाँ पर आपका नेम है, कैंडिडेट नेम, रोल नंबर है, कैटेगरी है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है, थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं, वक्स ऑप्टेनेड इन रिटर्न एग्ज़ाम। आपने जो इको के ये स्टूडेंट है जिन्होंने क्वालिफाई किया है, उनका जो रिटर्न एग्ज़ाम में था 163.27 था। उसके बाद इंटरव्यू में इन्होंने ऑप्टेन किए हैं 24, तो टोटल आपका बना है 187.27। आपके लिए रिमार्क कमेंट इन्होंने डाला है कि सिलेक्टेड इन योर कैटेगरी, ठीक है। आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से। अब इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं सबके नाम नहीं लूँगी, नाम मैं ले लेती हूँ, लेकिन आपको पता ही है इंटरव्यू के में ये तो आपको मालूम ही है सबको, जिन जिन के यहाँ पर नाम है इंटरव्यू के, जितने आपके नंबर है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब जैसे राज जायसवाल हैं, इनके इंटरव्यू में 27 है, और फिर इसके बाद अमित हैं, इनके इंटरव्यू में भी 27 है, और सबसे ज़्यादा नंबर इन तीनों के ही हैं। फिर है शुभी पटेल, इनके भी 27 हैं, और यहाँ पर फिर है प्रियंका, उसके भी 22 हैं। तो आप यहाँ पर अपना नाम चेक कर सकते हैं, सभी के नाम यहाँ पर हैं और कैटेगरी वाइज है। पहले सब जनरल वाले हैं, उसके बाद SC के हैं, उसके बाद EWS के हैं, SC, EWS, EWS, SC, SC, ये आपका सब्जेक्ट हो चुका। तो इसमें कुल कैंडिडेट हुए हैं 21, ठीक है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या लिया है इन्होंने, चेक करते हैं हम। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका बॉटनी, ठीक है। अब इन्होंने बॉटनी की लिस्ट बताई है। चलो हम आप ऐसा करते हैं, हम सब्जेक्ट वाइज सारी लिस्ट आपको दिखाते जाते हैं, सब्जेक्ट का नाम बताती जाऊंगी। अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको देख लें। चलिए आगे देखते हैं, धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए, तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल है हिंदी मिरर का, वहाँ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखिए इन्होंने दे रखा है आपको, देख लीजिए यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे है आपका
ये देख लीजिए सब्जेक्ट और आपके नेम। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ धीरे धीरे, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे जी जिनका सब्जेक्ट आ रहा है। फिर इसके बाद आपका स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स वाले भी अपना स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखते हैं 57 पेज की ये है, तो मैं जल्दी जल्दी स्क्रॉल करूँगी क्योंकि फिर वीडियो जो है बहुत लेंदी हो जाती है। पीडीएफ मैंने आपको बता दिया है कि टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके बाद आपका है ड्राइंग, ड्राइंग के बाद फिर इसके बाद है आपका कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं, चलिए आगे देख लीजिए। कॉमर्स वालों की लिस्ट यहाँ पर है, चेक कर सकते हैं आप यहाँ पर इसको। फिर इसके बाद ये कॉमर्स की ही चल रही है आपकी। कॉमर्स में देखिए कितने स्टूडेंट हुए हैं, 42 स्टूडेंट, 43, इसके बाद 50, 50, 63, 63 के बाद फिर 64। देखिए कितने स्टूडेंट का असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ है कॉमर्स में, 105। कॉमर्स के ही ये चल रहे हैं सारे आपके, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का इसमें नंबर आया है, 128। इसके बाद ये भी आपका कॉमर्स से ही संबंधित है, 147। 147 के बाद देख लीजिए यहाँ पर 168, फिर यहाँ पर लास्ट देखते हैं 189, 190। ये भी कॉमर्स वाला ही चल रहा है सब्जेक्ट कॉमर्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी ये कॉमर्स, ये सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, पोस्ट इन सब्जेक्ट कॉमर्स, कॉमर्स में इतने ज़्यादा के नाम आए हैं, चेक कर सकते हैं आप। इसके बाद भी यहाँ पर अब आ गए हम हिंदी पर। कॉमर्स में देखिए कितने, अगर आपने दिया था और आपका इसमें नाम आया है तो हमारी तरफ से बहुत बहुत आपको बधाइयाँ। चलिए आगे चलते हैं, आगे है आपका हिंदी से संबंधित। हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में जो मेरिट गई है वह 92, 189, काफ़ी हाई मेरिट गई है। और यहाँ पर भी देख लीजिए 189, जनरल में जो है 189, सॉरी 169, 189 पूरा है इसका, 183। ओबीसी में ईडब्ल्यूएस में 159, ईडब्ल्यूएस में 159, 163 भी गई है ईडब्ल्यूएस में, जनरल में 157 भी गई है, 161 भी गई है, 157 भी गई है, एससी में 155, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 157, ओबीसी 157, जनरल में 151 तक भी गई है रिटन एग्ज़ाम की हिंदी में। चलिए चेक करते चलिए आप भी अपना हिंदी के स्टूडेंट, देखें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में 146 भी गई है, चेक करते चलिए अगर आपका नाम आ रहा है। 151 भी गई है, जया देवी हैं उनके 151 हैं। इसके बाद जन ओबीसी हिंदी का ही चल रहा है अभी, जनरल में 148 भी गई है, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। चलिए देखते चलिए आराम से आप, हम स्क्रॉल कर रहे हैं आप देखते चलिए। टोटल स्टूडेंट अब हिंदी के हम देख लेते हैं कितने स्टूडेंट का नंबर आया है हिंदी में। चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट का नंबर आया है हिंदी में, यहाँ पर चेक करते हैं 147। उसके बाद हिंदी की ही ये लिस्ट चल रही है आपकी, ये हो चुके हैं 231, हिंदी ही चल रहा है आपका। तो आप यहाँ चेक करते रहिए किस किस का नंबर आ रहा है, हिंदी ही है अभी, 200 तो हो चुका है। और जिनका इस बार नंबर नहीं आया है अब दोबारा से तैयारी करते रहिए, जल्दी ही वैकेंसीज आने वाली हैं और भगवान ने चाहा तो इस बार आपका भी नंबर आ जाएगा। देखिए 400 से भी ऊपर ज़्यादा ये क्रॉस कर चुके हैं, तो देखिए कितने स्टूडेंट का यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर में पोस्टिंग हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं। कोई कोई यहाँ पर वेटिंग में भी है, वेटिंग इन ऐसी कैटेगरी, वेटिंग में भी चल रहे हैं यहाँ पर,
ठीक है, वेटिंग की भी इन्होंने कैटेगरी निकाल दी है, जो जो वेटिंग में है। हिंदी में देखिए कितने स्टूडेंट्स के नंबर आए हैं, 500 हम क्रॉस कर चुके हैं, 500 से ऊपर 600 कि देखिए कितने स्टूडेंट वेटिंग में यहाँ पर हैं। हिंदी ये लास्ट था आपका, अब आ गए हम एजुकेशन में। तो हिंदी में 652 स्टूडेंट का हुआ है, जिसमें वेटिंग में भी हैं वो काफ़ी स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर एजुकेशन का है, बाकी स्टूडेंट के लिए पीडीएफ मैं अपलोड कर दूँगी, तो आप यहाँ पर एजुकेशन वाले जो हैं उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हिंदी मिरर विद चैनल करके आपका जो है टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी उठा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक तो बनता है, कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो पता चलता है कि वीडियो पसंद की जा रही है। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हिंदी मिरर से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अपनी क्वेरी भी ज़रूर सेंड किया कीजिए कमेंट बॉक्स में, आपकी क्वेरीज आती हैं तो अच्छा लगता है। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, और अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखिए।